असलाम व्यूअर्स, निगत गुल, आज मैं आपको तबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू कमिंग्स जितने स्कॉलरशिप्स हैं और न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो एजुकेशन के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोग्राम जो है इसकी वर्थ 6 लाख है और 22nd इसकी 2nd नवंबर 2020 आपका जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की। और अब आप इसको देख लें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पंजाब डोमिसाइल वाले, ये लिमिटेड है पंजाब वालों के लिए, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। और जो एप्लीकेंट है मस्ट टू बी एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। कौन कौन सी फील्ड वाला कर सकते हैं, बीएस वाला कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, एमबीबीएस करता है, बीडीएस कर सकता है, फार्मेसी वाला कर सकता है, बीसीएस वाला कर सकता है, एमए वाला कर सकता है, एमएससी, एमकॉम कर वाला कर सकता है, डीवीएम, बीए, बीएससी, बीकॉम और टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और एमबीबीए और सीए और एसीसीए वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल के ऊपर लिखें ये तबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये आपके पास आ गया। अब आप एप्लीकेशन ना ओपन पे जाएं, ये भी आपके पास आ गया। अब आप यहाँ नीचे चले जाएं तो आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये सर्च कर लिया आपने तो क्लिक फॉर तौबी स्कॉलरशिप, ये आपका ऑफिशियल लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे अब आपने अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें डिटेल्स जानने के लिए। और सेव कर लें, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। और यहाँ पे अब आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस, टेस्ट पार्टनर, जो आपने टेस्ट देना है उसके सिलेबस के लिए ये पहले आप ये कर लें, ये आपके पास आ गया है। ये 30% आपकी इंग्लिश, जनरल नॉलेज 20% और करंट अफेयर्स 15%, इस्लामियात 15, एवरीडे साइंस 10, मैथ 10 और टोटल ये 100 है। इसको आप सेव कर लें अपने पास तो ये आपके पास सेव हो गए। अब आप वापस जाएं, गलत हो गया, यहाँ पे जाते हैं फिर और यहाँ पे अब आप करें जी क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म। नाजरीन ये देखें आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन हो चुका है, ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया है, ये फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी है उनका फॉर्म है, यहाँ पे अब आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद ताबी स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब, ये नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी नेटा है, इसका आप फॉर्म फिल करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पंजाब का डोमिसाइल, डू यू हैव रेलेवेंट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज एडवर्टाइजिंग, अगर है तो यस करें कि आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट में दी हुई क्वालिफिकेशन है वो है और डोमिसाइल आपके पास डोमिसाइल का है, यस। यहाँ पे पिक्चर का फुल आपको नज़र आ नहीं, पिक्चर अपनी जगह है। बैंक का डिपॉजिट 350 एंड डिजिग्नेटेड बैंक ब्रांच, जिस बैंक ब्रांच में आपने किया वो लिखें, ब्रांच कोड और डिपॉजिट डेट जिसमें आपने डिपॉजिट किया। उसके बाद आपके पास आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेंटर मेंशन करें, या गुजरांवाला, पंजाब, बावलपुर, साहिवाल, डी जी खान, गुर, बावलपुर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और लाहौर।
फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में सारी दें, अपना नाम दें फुल, और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अनिगत कुल है तो NIGHAT, फिर यहाँ पे आपका स्पेस GUL गुल, इसी तरह से आप CNIC का पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें अपना CNIC दें, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस जो भी है वो सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखें, मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह वो लिखें, और फादर ऑक्यूपेशन नहीं है कोई तो वो भी लिखें कि नॉन मुस्लिम, और कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखें, पोस्टल एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पर्सनल मोबाइल नंबर, रेजिडेंसी मोबाइल नंबर, और ईमेल एड्रेस, और करंट सेमेस्टर फीस, आपकी करंट सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन क्या है, जिस साल आपने एडमिशन लिया है दाखिला लिया वो लिखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, करंट सेमेस्टर का लिखें, प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स, CGPA आपका लिखें, मेरिट बेस है ये, और यहाँ पे अब आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जितनी है, SSC के सर्टिफिकेट टाइटल, आप मेजर सब्जेक्ट्स, ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स, CGPA जिनका है वो टोटल, परसेंटेज, डिवीजन और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब बैचलर तक आप यहाँ पे लिख दें। लिखने के बाद ये अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग के ऊपर सिग्नेचर करें, आप अपना नाम लिखें, फादर का नाम लिखें जो भी है आपका वो लिखने, और सिग्नेचर कैंडिडेट के सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन आपके अंगूठे का जो है वो निशान, आप किसी भी स्टम्प स्टम्प उसके लगा के तो आप स्टम्प पे अपना यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के और पिक्चर करें, और फिर आगे चले जाएं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने केयरफुली पढ़ लेनी है, और ये फिर आप अपना ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये अभी वेबसाइट भी दी हुई है, तो PHA Flats F13 स्ट्रीट 97 ब्लॉक E12 G11 3 इस्लामाबाद पे आपने इसको सेंड कर देना है, और ये अब आपके पास यहाँ पे ही फॉर्म में जो HPL बैंक है, UBL बैंक है, वहाँ पे आप ये 315 पे कर सकते हैं, और पे करके ये अपने फॉर्म के साथ अटैच करके ये इस्लामाबाद के एड्रेस पे, ये आपके फॉर्म के ऊपर भी जो पोस्टल एड्रेस है वो दिया हुआ होगा वो आपने सेंड कर देने हैं, और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप सक्सेसफुली इस स्कॉलरशिप को अवेल कर लेंगे, और जो आपका सिलेबस है वो भी आपको बता दिया गया है, और फुली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो लोग अभी इस पेंडेमिक में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदा मंद होगा, उनको ये फ़ायदा देगा, और आप इसको अवेल कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको मिलेगा, तो हमें दुआ में याद रखिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको मस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि इनकमिंग इसी तरह के स्कॉलरशिप्स और बेनिफिशियल वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली जो है वो रिसीव होती रहें। थैंक यू वेरी मच।